कश्मीर में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हुए हैं। स्टैंडिंग कमेटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्टैंडिंग कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ द सिटी भी माना जाता है। स्टैंडिंग कमेटी में जीते हुए लोग शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। जीते हुए लोगों ने सभी का शुक्रिया अदा किया और अपने काम को लेकर प्रतिबद्धता जताई। आइए देखते हैं श्रीनगर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर फैजान मीर की एक रिपोर्ट। आज यहाँ स्टैंडिंग कमेटीज के 3 इलेक्शन हुए, मुनक़द हुए, जिसमें सबसे पहले हेल्थ एंड सैनिटेशन को हुआ, जिसमें हमारे नौजवान तनवीर हुसैन पठान साहब भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। दूसरा यहाँ सोशल जस्टिस का हुआ, जिसमें हमारी छोटी बहन गुलशन आबरू मुनक़द हुई। तीसरा इलेक्शन मेरा था स्वच्छ भारत मिशन का, जिसमें मैं 8 के 8 वोट हासिल कर चुका हूं और भारी अक्सरियत से मैं कामयाब हुआ। देखिए, जहां तक इस स्वच्छ भारत मिशन का ताल्लुक है, न किसी ने जीता न किसी ने हारा, अलबत्ता मेरे कंधों पे एक भारी जिम्मेदारी आयद हुई। मैं चाहूँगा अपने साथियों के साथ जिन्होंने मुझे आज एतमाद दिया, सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन साथियों की वसालत और हमायत से जो भी स्वच्छ भारत के शहरी श्रीनगर के हवाले से लोगों के मसाइल होंगे, उन पर पूरा उतरने की मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा और मेरे ऑफिस के दरवाजे, मेरा कलम हर वक्त मेरे शहरी श्रीनगर के लोगों के लिए, जुनैद साहब के लिए, इस कॉरपोरेशन के ताई और मेरे स्टैंडिंग कमेटीज़ में जो मेम्बरान हैं और आम लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे कलम से हमेशा इंसाफ होगा। मैं, मेरा नाम गुलशन अबरू है, मेरा सोशल जस्ट चेयरमैन बन गए। मैं लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जैसे कि जो इसमें सोशल काम होगा वो मैं करना चाहती हूँ, इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो हम अपने मेयर का शुक्रगुजार हैं, जिनकी कोशिश से, और इट्स अ हिस्ट्री एंड राइटिंग ऑन वॉल कि इस नवीयत का इलेक्शन पहली बार कॉरपोरेशन में हुआ, वो भी हमारे मेयर जुनैद अज़ीज़ मुत्तू की वसालत से। इससे पहले जितने भी मेयर थे उनके दौर में सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन कभी नहीं हुआ। ये पहली मरतबा हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन कि इलेक्शन इकदाम पजीर हुए और बड़ी दानदारी और सही सफाई के साथ अंजाम पजीर हुए। इसके लिए हम मेयर साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं। जो आज यहाँ का इलेक्शन मुनक़द हुआ था, तो उसमें पोस्ट वो पूरे हो गए, तो कौन क्या बना? स्टैंडिंग कमिटीज़ का इलेक्शन हुआ, उनका इलेक्शन तो पहले हुआ था लगभग 1 हफ्ता पहले, लेकिन स्टैंडिंग कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये समझिए एक मिनिस्ट्रीज ऑफ द सिटी होती हैं, इनके बड़े अहम फंक्शन होते हैं। तो उनके इलेक्टेड मेंबर्स ने आज अपनी स्टैंडिंग कमिटीज़ में कानून के हिसाब से आपस में चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन कमिटीज़ उनका इंतखाब किया। हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरपर्सन तनवीर हुसैन पठान बने, डिप्टी चेयरपर्सन नाजिया अशरफ बनी, सोशल जस्टिस की चेयरपर्सन गुलशन आबरू बनी, डिप्टी चेयरपर्सन फैंसी अशरफ बनी, और स्वच्छ भारत मिशन कमेटी के चेयरपर्सन मोहम्मद लतीफ़ मीर बने और डिप्टी चेयरपर्सन मोहम्मद सलीम लोन बने। फाइनेंस एंड प्लानिंग के वाइस चेयरपर्सन डेजिग्नेट किए गए जनाब नासिर नायकू साहब, जनरल फंक्शंस के वो डेजिग्नेट किए गए, और फाइनेंस एंड प्लानिंग के डेजिग्नेट किए गए जनाब सलीम लोन साहब, और डेजिग्नेट की गई चेयरपर्सन, एक्टिंग चेयरपर्सन स्किल अपग्रेडेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कमेटी की मोहतरमा नईमा सारा जी, वो उसकी चेयरपर्सन रहेंगी स्टैंडिंग कमेटी की। ये बहुत अहम स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, श्रीनगर शहर की जो डेवलपमेंट है वो इन्हीं कमेटीज़ पे डिपेंड होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोगों की खिदमत करेंगे और अपने वादों पे खरा उतरेंगे, और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ।